हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे हाउ टू कंसंट्रेट ऑन स्टडीज़। काफ़ी लेक्चर्स मिल जाते हैं हमें यूट्यूब पर अपनी स्टडीज़ के अबाउट, मगर काफ़ी जो लोग होते हैं वो ये नहीं बताते कि बच्चे कंसंट्रेट किस तरह से करें अपनी स्टडीज़ पर, क्योंकि कंसंट्रेट करना एक बहुत बड़ा इशू होता है। क्योंकि कभी आपका माइंड कहीं डिस्ट्रैक्ट होता है तो कभी कहीं डिस्ट्रैक्ट होता है, तो फिर वो बहुत मुश्किल हो जाता है किसी एक टॉपिक पे, किसी एक जगह कंसंट्रेशन बनाए रखना। तो आज के इस वीडियो पे हम देखेंगे 5 टिप्स टू कंसंट्रेट ऑन स्टडीज़। ठीक है, आज हम 5 टिप्स देखेंगे, बहुत इजी सी, जिससे आप सबके लिए कंसंट्रेट करना बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अक्सर होता है ऐसे कि मतलब अगर आप पढ़ने के लिए बैठते हैं तो आपसे पढ़ा नहीं जाता, कभी आपका माइंड कहीं डिस्ट्रैक्ट होता है तो कभी कहीं डिस्ट्रैक्ट होता है, या जो असल इशू होता है वो ये होता है कि आपके पेपर्स बहुत करीब आ जाते हैं मगर आपका सिलेबस नहीं कंप्लीट होता, तो वो बहुत बड़ा इशू होता है स्टूडेंट्स के लिए, सिलेबस टाइम पे कंप्लीट करना। क्योंकि मंथ्स के जो पूरा साल में 12 महीने होते हैं, 12 महीने में काफ़ी दिन ऐसे होते हैं जब आपका पढ़ने को मन नहीं करता या कहीं आप और एक्टिविटीज़ में लग जाते हैं, तो सिलेबस कंप्लीट करना बहुत मुश्किल होता है। फिर आप परेशान हो जाते हैं, फिर आप सोचते हैं ओहो अब हम क्या करें, अब तो हमारे पेपर्स करीब आ गए, अब तो हम फेल हो जाएंगे, अब तो हमसे नहीं पढ़ा जाएगा। तो इतना मुश्किल नहीं है पढ़ना अगर आप कॉन्सेंट्रेट करना सीख जाएँ। तो आज हम कुछ टिप्स सीखेंगे। सबसे पहली ट्रिक है हमारे पास कॉन्सेंट्रेट करने की, वेकअप। वेकअप मतलब सुबह जल्दी उठ जाएं टाइम से, ताकि जब आप टाइम से उठेंगे अर्ली इन द मॉर्निंग तो आप एक रूटीन सेट कर सकते हैं अपनी, कि किस टाइम आपने अपनी स्टडीज़ को टाइम देना है और किस टाइम आपने अपनी बाकी एक्टिविटीज़ को टाइम देना है, तो आपके पास एक रूटीन सेट होगा, तो आपके लिए पढ़ना और कॉन्सेंट्रेट करना बहुत ईजी हो जाएगा। मगर अगर आप लेट उठेंगे तो कॉन्सेंट्रेट करना आपके लिए उतना ही मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए वेकअप हमारी नंबर 1 टिप है और इस पर सबसे पहले अमल करना है। अब हम चलते हैं अपनी टिप नंबर 2 की तरफ। हमारी जो टिप नंबर 2 है वो है सेट अ गोल। कि हमने पहले अपना एक गोल सेट करना है कि हमने आज ये काम करना है, या हमने एक मंथ में इस बुक को कवर करना है, इतना सिलेबस कवर करना है, इतना हमने पढ़ना है। तो जब आपके पास एक गोल सेट होगा आपके माइंड में, तो आपको पता होगा कि आपने किस तरह से अपना सिलेबस कवर करना है। जब आपके पास गोल नहीं होता तो आपको पता नहीं है चलता। इसलिए अब हमारी टिप नंबर 3 है जो कि हम स्टडी पे कॉन्सेंट्रेट करने के लिए देखेंगे, वो है सेपरेट द सिलेबस इनटू पार्ट्स। ठीक है, कि जो आपका सिलेबस है आपने उसको थोड़े थोड़े पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। जितने पार्ट्स आपके सिलेबस के बनेंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए सिलेबस कवर करना इजी हो जाएगा, क्योंकि एक साथ अगर बर्डन पड़ता है तो आप बहुत परेशान हो जाते हैं। मगर जब आप सिलेबस को सेपरेट कर देंगे तो छोटे छोटे पार्ट्स होंगे, जैसे 5 क्वेश्चन आज याद करने हैं, 5 क्वेश्चन कल याद करने हैं, तो इस तरह करके सिलेबस ईजी हो जाता है कवर करना। आज की हमारी 4th टिप जो है कंसंट्रेट करने के लिए वो है लीव योर सेल फोन। सबसे इम्पॉर्टेंट टिप है मेरे अकॉर्डिंग, जहाँ तक मेरा अपना एक्सपीरियंस है, जब तक आपके हाथ में सेलफोन होगा या आपके इर्द गिर्द सेलफोन होगा आप बिल्कुल भी नहीं कंसंट्रेट कर सकते। क्योंकि आजकल का ज़माना बहुत सोशल हो गया, आप की करते हैं चले 5 मिनट फेसबुक देख लेता हूँ, चले 5 मिनट मैं ये कर लेती हूँ, सोशल मीडिया चली जाती हूँ, तो इस तरह कॉन्सेंट्रेट नहीं होता स्टडीज में। जब आप अपना पढ़ने के लिए बैठे हैं अपने सेल फोन को ऑफ करके एक साइड पे रख दें, ना आपका माइंड उस तरफ जाएगा ना आप डिस्ट्रैक्ट होंगे, और इस तरह आप बहुत ईजीली अपना सिलेबस कवर कर सकते हैं। आज की हमारी 5th टिप है रिलैक्स। रिलैक्स इस लिहाज से कि आप ये भी ना करें कि सारा दिन पढ़ते रहें, अपने माइंड को थोड़ी देर के लिए रिलैक्स करें। क्योंकि हमारी बॉडी तो रिलैक्स कर लेती है, रेस्ट भी कर लेती है, मगर हमारा माइंड तब भी रेस्ट नहीं करता जब हम सो रहे होते हैं, तो वो बैठा सोचता रहता है कुछ ना कुछ, मतलब कुछ ना कुछ उसमें चलता ही रहता है। तो इसलिए अपने आप को रिलैक्स करें, स्टडी के बाद अपने आप को किसी और एक्टिविटी में लगा दें ताकि आपका माइंड रिलैक्स कर जाए। ठीक है,
तो ये थी हमारी आज की वीडियो, हाउ टू कॉन्सेंट्रेट ऑन स्टडी। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी और थोड़ी हेल्पफुल होगी। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। थैंक यू।